तो पूरे 13 साल के बाद अवतार का सीक्वल आ गया है जिसका नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। तो अवतार ये मूवी आई थी 2009 में और अब अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी आई है 16 दिसंबर 2022। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मूवी के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में इतना बड़ा गैप होगा जो कि यहाँ पर है। लेकिन खैर जब अवतार मूवी 2009 में रिलीज हुई थी तब उस मूवी के वीएफएक्स 2009 के हिसाब से काफी जबरदस्त थे और अवतार मूवी की स्टोरी भी बेहतरीन थी। इसी वजह से इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन का कलेक्शन किया। मूवी जैसी जैसी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उस मूवी की हाइप कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पर इसके उलट इन 13 सालों में इस मूवी की हाइप बढ़ती गई जिसकी वजह से अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी को काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं इस मूवी की। तो स्टोरी वही से ही कंटिन्यू होती है जहाँ पर अवतार मूवी में खत्म हुई थी, यानी तुमको अवतार मूवी देखनी ही पड़ेगी अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी देखने के लिए। तो अगर तुमने अवतार मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा कि पृथ्वीवासी पैंडोरा प्लेनेट पर गए थे और उन्हें मूवी के एंड में पैंडोरा वासियों ने भगा भी दिया था। तो इसी बीच काफी सारी फाइट्स होती है पृथ्वीवासी और पैंडोरा वासियों के बीच में, वो आपको अवतार मूवी में देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी में अब पृथ्वीवासियों के जाने के बाद अब जैक सली और नेथ्री ये दोनों अपनी एक फैमिली बनाते हैं जिसमें उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। तो अब उन पृथ्वीवासियों में से जो लोग अच्छे थे जिन्होंने नावी लोगों का साथ दिया उन गलत लोगों को यहाँ से भगाने में वो यहाँ पर पैंडोरा प्लेनेट पर ही रुक जाते हैं। अब वो लोग पैंडोरा प्लेनेट पर जैक सली की तरह एक परमानेंट अवतार बनकर रहते हैं। तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन बीच में पृथ्वीवासी एक बार फिर से पैंडोरा प्लेनेट पर आते हैं, लेकिन इस बार वो किसी एक्सपेंसिव मेटल के लिए नहीं बल्कि अब पृथ्वी खत्म हो रही है इसी वजह से वो यहाँ पर रहने आ रहे हैं। और एक बार फिर से पृथ्वीवासी पैंडोरा प्लेनेट के नावी लोगों के घर बर्बाद करने शुरू कर देते हैं जिससे परेशान होकर नावी लोग और पृथ्वीवासियों के बीच जंग छिड़ जाती है। और एक बेहतरीन वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमें उस वॉर को दिखाया जाता है जिसे देखते वक्त काफी मजा आता है। तो क्या आप जैक सली अपनी फैमिली और इस पैंडोरा प्लेनेट को पृथ्वीवासियों से बचा पाता है नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरन ने जिन्होंने एक बेहतरीन स्टोरी के साथ एक बढ़िया मूवी बनाई है जिसे देखने में आपको मजा आएगा। तो इस मूवी का बजट $25 करोड़ है जो कि आपको मूवी देखते वक्त लगता भी है कि इतना पैसा कहां पर लगा है। तो इस मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स काफी जबरदस्त है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इस मूवी में। तो अब हम सही माइंड में कह सकते हैं कि इस मूवी के लिए 13 साल का इंतजार वर्थ इट। तो आप अपने फैमिली के साथ इस मूवी को थिएटर में जाकर एंजॉय कर सकते हो, बस इसमें फाइटिंग सीन ज्यादा है तो ये आपके ऊपर है कि आपको फैमिली के साथ थिएटर में जाना है या फिर नहीं। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।